गणेश सच में तेरे पीछे है। अरे वो है पीछे अलमारी में, कौन है? जबकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। हाँ मेरे साथ ऐसी चीजें हुई है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बट या मिस्ट्री है। मेरा एक बहुत सिंपल सीन है, मेरा ये सीन है कि मेरे को ना भूतों भूतों से नहीं मिलना, ठीक है, लेकिन बाय चांस मुझे कोई भूत मिल गया तो मेरा टास्क होगा सबसे पहले मर जाना। जब मैं मर जाऊंगा तो मैं भूत बन जाऊंगा और फिर मैं उस भूत की गांठ फाड़ दूंगा। मेरा प्लान ये है भाई। मैं बिलीव नहीं करता उस दिन तक जब तक मुझे खुद एक्सपीरियंस ना हो पैरानॉर्मल। मैं ग्रेवयार्ड में जब कनिष्क और अक्षय ये लोग इतना बड़ा ग्रेवयार्ड था, हर जगह अलग अलग टाइप की कब्रें थी, बच्चों की कब्रें अलग थी, वो ये लोग वहां बैठे हुए थे। हम इनके एकदम पोल्स अपार्ट एकदम ग्रेवयार्ड के अलग कोने में हम लोगों ने अपना बेस बनाया हुआ था। बेस जहाँ बनाया हुआ था ना वहां भी कब्रें थी, तो हमारे साथ लोकल गाइड भी था, एक एक चौकीदार भी था वहां पे, हमारी अपनी टीम थी, मैं सत्यम विश्वास ये लोग भी खड़े हुए थे। रात हो रही होगी 12:30 बज रहे होंगे, 12:30 एक बज रहे होंगे उस टाइम पे। तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई अचानक से एक आवाज आई, ऐसी आवाज थी कि सबका ध्यान उस साइड गया। तो आवाज जो थी वो कुछ मतलब कुछ सामान वामान गिरने की आवाज आई थी, कुछ सामान गिरा तो सबका ध्यान उस साइड गया। सब लोगों ने उधर देखा, मैं ऑलरेडी इस साइड देख रहा था, मैंने देखा उस क्रॉस, वो क्रॉस के पीछे से एक बंदी ऐसे बाल खोल के ऐसे कोई देख रहा है, दिख रहा है कि बाल वाल ऐसे ऐसे हिल रहा है और ऐसे कोई देख रहा है, और शेडो थी, मतलब क्लियर नहीं दिख पा रहा था कि चेहरा क्या है। मैंने मेरे हाथ में टॉर्च था, मैंने टॉर्च मारा वो ऐसे हो गई वापस टूमस्टोन के पीछे वापस। और फिर मैं पूरा आगे बढ़ के थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग खड़े हुए थे तो मैं थोड़ा सा और आगे गया हिम्मत करके, मैं टॉर्च और अच्छे से मारूं, कोई नहीं वहां पर। ये जो कह रहा है ना कि जैसे यूजुअली प्रोटैगनिस्ट को ऐसी चीजें दिखती है, सबसे पहले ना सबसे पहले बंदा मरता है ना ग्रुप में, वो जो बंदा होता है उसको दिखती है। तो जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ वो मेरे को किसी ने बताई, जिसको किसी ने बताई। तो क्या पता वो स्टोरी सही है, क्या पता वो स्टोरी सही नहीं है। तो मतलब एक गाँव में एक इंसान रहता था, एक इंसान यार अब ये कौस्तुभ जैसे सड़े लोग ना, तू ये इसको म्यूट कर दे, इसको म्यूट कर। सीन ये था कि वो नया नया आया था गांव के अंदर, वो पहले किसी और गांव में रहता था, फिर वो किसी और गांव में चले गया। तो मतलब उसका जो घर था उधर किसी की डेथ हुई, उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, उसको चलने की, दौड़ने की, हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, गर्मी के दिनों में घर ठंडा लग रहा है, उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है। अब सीन ये हुआ कि 5-6 महीने के बाद उसको ना कुछ कुछ चीज़ें शेडोज वगैरह दिखने लगी, ठीक है। तो उसी तांत्रिक के पास वापस गया, उसने बोला कि यार ये जो सीन है यहाँ पे, ये जो कोई आत्मा है जो मेरा पीछा कर रही है। उसने बोला अच्छा भाई आत्मा तेरा पीछा कर रही है? उसने बोला हाँ भाई। उसने देखा ऐसा है, तुम ये माला लो और जब भी तुम्हें देखे तो उस माला को कस के पकड़ो, ये हनुमान जी है तुम्हें बचाएंगे, और जय हनुमान ज्ञान गुस्कार गुणसागर बोलना चालू कर दो, तुम्हें आता? उसने बोला हाँ आता है। उसने बोला ठीक है भैया। हर बार शैडो आती थी और चली जाती थी, आती थी और चली जाती थी। इस दिन क्या हुआ, शैडो वहीं पर ऐसे करके उसको देख रही है और उसकी फट गई और वो पास आने लगी, ठीक है, और उस बंदे की फट गई वो, ठीक है। इसको कुछ समझ नहीं आया, इसके हाथ में वॉकेट था, इसने उठाया और इसने बोलना चालू कर दिया जय हनुमान ज्ञान गुणसागर ये सब, और वो एकदम से गायब हो गया, ठीक है। उसने बोला चलो ठीक है, वो कर रहा जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय हनुमान ज्ञान गुणसागर। कट्टू यहाँ से एक खोपड़ी आती है और वो उसके साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। क्या बात कर रहा है। ऐसे लोग होते हैं ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस के बारे में तुमको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। ब्रह्म राक्षस होते हैं जो जिनकी पूरी जिंदगी पूजा पाठ गुजरती है लेकिन उनकी अकाल मृत्यु, अगर वो भूत बन गए तो उनसे ज्यादा पावरफुल भूत कोई होता है, अगर वो पड़ गया तो फिर तो वो लेके जाएगा, उसको हटाना बहुत मुश्किल है चाहे कितनी झाड़ फूक करा लो। मैंने एक कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी इस पे नेटफ्लिक्स पे, उसमें ये दिखाया था कि 2011 में जापान में जो सुनामी आई थी ना तो बहुत लोगों की डेथ हुई थी, लाइक काफी अकाल मृत्यु, लाइक टाइम से पहले जो लोग मर जाते हैं वो लोग एक्चुअली भूत बनते हैं। बहुत लोगों को भूत दिखते थे जो रास्ता भटक गए हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं एक्चुअली कि वो जिंदा है कि मर गए। वो लोगों से रास्ता पूछा कि मुझे घर जाना है, मैं कैसे जाऊं, काफी लोगों को दिखे हैं वहाँ पे। मेरा क्वेश्चन है भूत दिखते कैसे हैं? हम लोग तो फिजिकल चीजें देख पाते हैं, उसको ही बिलीव करते हैं, लेकिन ये लोग फिजिकल रेम से बाहर होते हैं, बियॉन्ड होते हैं, तो हम लोग उनको देख नहीं सकते उनकी मर्जी के बिना, और वो बस फील करवा सकते हैं हमें। तो कई लोगों को फील होती है, लेकिन स्पिरिट अगर तुम्हें बार बार अपनी प्रेजेंस दिखा रही है ना, तो बेसिकली
हर किसी को मुक्ति चाहिए होती है, उनको मुक्ति चाहिए होती है। बेसिकली वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। सिल्वेस्टर स्टैलोन का बेटा है, उसकी भी किसी एक्सीडेंट से मौत हुई थी, वो इंडिया आया था उसका श्राद्ध करवाने ऋषिकेश में। यार एक चीज बताओ, मुझे नहीं लगता भूत एग्जिस्ट करते, मुझे लगता है लोगों के मेंटल ट्रॉमा एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन वाला ये कह रहा था, ठीक है, तो ही वेंट थ्रू अ ट्रॉमा व्हिच इज व्हाई उसको वो दिखता था, उसका बेटा दिखने लगा था। आई एम जस्ट सेइंग व्हेन यू बिलीव इन समथिंग तो तुम्हें वो चीजें दिखती है, ठीक है। जैसे मैं भी उस ग्रेवयार्ड में था, मैं भी उस जंगल में था, मैं भी अकेले अकेले घूम रहा था, अगर मैं किसी हद तक बिलीव करता शायद मुझे ये चीजें दिखती भी, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये चीजें हो सकती है। मेरे साथ ये हुआ था, मैं रात से आया था नाइट शिफ्ट करके, सर्दियों का टाइम था तो पंखा उनका कुछ नहीं चल रहा था, ये बेड है यहाँ पे लेटा हुआ था। वो जो मंदिर दिख रहा है वहां पे, मंदिर में मेरे नाना जी की एक छोटी सी ना फोटो लगी है, ठीक है। तो मैं आके लेटा, ठीक है, मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ, उसके 5 मिनट बाद ही मेरे नाना जी की फोटो नीचे गिर गई। ब्रो फोटो पतली सी होती है, इतनी सी फोटो तो कह रहा है वो, तो अरे वो फ्रेम है, फ्रेम है, इट्स फ्रेम, फोटो फ्रेम है, जरूरी नहीं हवा से गिरे, बट बहुत चीजों से गिर सकती है भाई, वो ऑलरेडी बहुत लूज होगी, ठीक है, और वो धीरे धीरे कर करके ओवर द टाइम वो उस टाइम पे, ठीक है, वो गिर गई। ये सपोर्ट है, ऐसे लगी हुई है, अगर गिरती भी तो ऐसे गिरती ना, वो गिरी ऐसे गिरी। पिद्दू कौस्तुभ का डॉग था जो जिसकी डेथ हो गई थी, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जन 2020 जब लॉकडाउन शुरू हो गया, फिर मैं घर पे लॉकडाउन के टाइम पे लखनऊ आया यहाँ पे, और मैं ये जो मेरा कमरा है, मैं इस कमरे में आके मस्त लाइट वाइट ऑफ करके मस्त सो गया, और क्या करता हूँ तो मेरा हाथ अपने आप ही ऐसे होने लग गया, ठीक है, और फिर मैं एकदम से मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो हाथ झटका, मैंने कहा कि क्या नाटक हो रहा है, मैं वापस ठीक से पोस्चर चेंज करके मैं ऐसे लेट गया, और फिर वापस से मेरा हाथ ऐसे ऐसे ये अलग हो रहा है, और मैं उस टाइम पे मेरी आंखें खुल गई और मैं ये देख रहा हूँ, क्या होने देते देखते हैं, और मेरा हाथ ऐसे हो रहा है, और फिर ये भी हाथ ऐसे धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, और ये मैं देख रहा हूँ और ये हो रहा है मेरे सामने, ऐसे ऐसे हो रहा है, मैंने ये क्या हो रहा है भाई। उस टाइम मेरी फट गई थी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ होते हुए मेरे हाथ मेरे खुद के साथ, इतनी ज्यादा फट गई कि मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आई दौड़ते, मैंने क्या हो गया, अब मैं क्या बोलता हूँ क्योंकि एक्सप्लेन कैसे करता हूँ उस टाइप पे कि मेरा हाथ उठ रहा है। तो मैं कुछ टाइम के लिए मैंने सोचा इस बारे में, ये क्या था, पार्थ से मैंने बात कर रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ, पार्थ ने ये बोला कि क्या पता तुमसे आखिरी बार मिलने आया हो, क्योंकि मैं उससे जब मरा था बेचारा तो उससे मिल नहीं पाया था मैं, क्योंकि उसकी आदत थी हमेशा, जब भी मैं अपने कमरे में सुबह उठता था वो आता था मेरे बिस्तर पे, मेरा हाथ ऐसे अपने मुंह से उठाता था और किधर चिपक के सो जाता था मेरे साथ। एक बहुत बहुत फेमस सेइंग है, पता नहीं किस मूवी को, हैरी पॉटर के अंदर एक सेइंग है, डंबलडोर बोलता है हैरी पॉटर को, इवन इफ एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर हेड इट डजंट मीन इट्स नॉट रियल, समझ रहा तू, सो हाउ कैन समबडी डिफाइन व्हाट्स रियल, एग्जैक्टली, क्या कौस्तुभ का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सिर्फ कौस्तुभ ही जानता है, फॉर कौस्तुभ दैट्स रियल। इन सब चीजों में बिलीव करता हूँ हमेशा से, और मुझे डर भी उतना ही रहता था थोड़ा बहुत, लेकिन अंकुर भाई के साथ रहने के बाद मेरा उतना डर भी चला गया, क्योंकि अंकुर भाई हैं हमारे असली, जो विकराल गबराल में जो विकराल आता था ना वैसे है वो, उन्होंने तो डांट दिया था ना भूत को, मुझे अंकुर भाई ने बताया था, मैं और यार कहीं जाके भूत बड़ा परेशान करता था, कौन सा भूत, वो तो रहता है ना, मतलब क्या बात करो, बोलता मैं बाहर जाता था ऑफिस, राशन खत्म हो गया, एक दिन मैं बाहर गया एसी चल रहा, मैं आया भाई वापस, मैंने बोला देखो भाई ये सब तो नहीं चलेगा, तुम बिजली का बिल देते नहीं हो, मुझे देना पड़ता है, ये सब नहीं चलेगा, ये कमरा तुम्हारा, बिजली बिल पर चला रहा कमरा तुम्हारा, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा, और तब से एकदम ठीक। कितना कैजुअली बता रहे, अपने कपड़े फोल्ड कर रहे उस कमरे में, मैं घुसा के अंकुर भाई कह रहे नहीं यार यहाँ पे ये भूत है, देखो ये सारे कपड़े यहाँ पे ऐसे छोड़ के चला गया, ठीक है, मैं पंखा ऑन करके गया था ताकि सूख जाएंगे सारे, उसने पंखा बंद कर दिया, बताओ ये कोई बात होती है। अंकुर भाई ने एक बार बताया था अपनी, मेरे को ऐसे बता रहे थे स्टोरी की, मैं लखनऊ गया हुआ था और वो दिल्ली में ही थे उस घर में ही, और वो उनको इनकी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, तो बुखार उखार में पड़े हुए थे अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे, तो अंकुर भाई बता रहे कि कौस्तुभ तू जानता नहीं है मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इतनी हिम्मत नहीं थी मुझे तो भूत और दिखने लग गए थे, मैंने ए क्या। तो कह रहे थे कि हाँ मतलब मैं लेटा हूँ, मुझे मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि कब मैं उठूँ, कब मैं खाना बनाऊ, देखा दरवाजे पे बहुत सारे लोग, 2-3 लोग मेरे को ऐसे देख रहे ध्यान से, मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप, तो कहते हैं हाँ हाँ ऐसा ही हुआ मेरे साथ, 2-3 लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे मुझे उनको घूर रहे हो, मैंने कहा तब आपने क्या किया होगा, तो कहते हैं कि
क्या डरता, घूर रहा था उनको घूरने दिया। ठीक है यार, लाइक वाइक करो वीडियो को, अगर पसंद आई तो कमेंट करके बताओ कि अगर इस थीम की वीडियो और देखनी है तो कुछ और बढ़िया सोचेंगे। एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और हमारे दो भाई हैं, इनका भी चैनल है पर्सनल, इनको 10,000 कराओ यूट्यूब पे, मेरे को 10,000 कराओ इंस्टा पे, ठीक है। और भाई कौस्तु को तुझे कैसे करोगे, मुझे इसके घर में 3 भ्रमण राक्षस भेज दो।